चुनिवनी गैंगस्टर्स, गुड इवनिंग। टेस्ट खत्म करने के लिए सिर्फ आधा घंटा है आपके पास, आज उससे ज्यादा टाइम नहीं अवेलेबल है। चलिए सेल पढ़ के आए हैं और दांतों तक डाइजेस्टिव सिस्टम करवाया। चलिए फटाफट 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 एवरीबडी vquiz.in228641 दिखाई दे रहा है ऊपर, vquiz.in228641। कम ऑन ऑल माय न्यू बच्चा पार्टी, ओल्ड बच्चा पार्टी, ऑल बच्चा पार्टी, vquiz.in, vquiz.in और 228641 आ जाओ। चलो चलो फटाफट। गुड इवनिंग गौरी एंड गुड इवनिंग एवरीबडी। चलिए चलिए 228641 ज्वाइन। संचिता vquiz.in228641। गुड इवनिंग, देखते हैं आज कौन टॉप करता है। हो गया, सब बच्चों ने कर लिया। मैम मेरा स्लाइड नहीं खुल रहा, ऐसा कैसे हो सकता है? आपने लॉगिन किया है? जॉइंड गौरी 228641। चलो बेटा एवरीबडी स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। टी क्वेश्चन है यार, 20 सेकंड में एक क्वेश्चन आपको खत्म करना है यार। इससे लल्लू सवाल हम नहीं ढूंढ के ला सकते, पॉसिबल ही नहीं है। वो सेल, वो साइंटिस्ट बताइए जिसने लाइव सेल सबसे पहली बार देखा था, बताइए। रॉबर्ट ब्राउन, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट हुक, शेल्डन एंड श्वान। आप जिसका स्लाइड नहीं खुल रहा है, जिसको स्लाइड में प्रॉब्लम आ रहा है, आप एक काम करिए यहां पे आंसर कर दीजिए, दैट इज ओके। यू कैन ऑल्सो आंसर इट हियर यूट्यूब पे, दैट इज ओके, परफेक्टली फाइन। लाइव सेल, डेड सेल देखने वाले नहीं, लाइव सेल देखने वाले साइंटिस्ट का नाम बताइए। वेरी वेल डन। क्या नाम है? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। रॉबर्ट हुक ने डेड सेल देखा था, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस देखा था, शेल्डन एंड श्वान ने सेल थियोरी बताई थी, राइट? सो द आंसर इज रॉबर्ट हुक इज डेड सेल, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक इज लाइव सेल। हर्षित, मनीत, आस्था, गरिमा, हिना, संगलप, गौरी, अनुग्रह, एल्विन एंड आरुषि। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए डाइजेस्टिव सिस्टम में टीथ तक क्वेश्चन है। Giving MCQ very important. Genetic material of prokaryotic cell. Prokaryotes का genetic material क्या होता है बताओ? Small circular DNA cell called plasmids. Genetic material पूछ रहे हैं, extra chromosomal नहीं पूछ रहे हैं। Is not enveloped by nuclear membrane. Composed of single circular DNA molecule. All the above. बताइए। जेनेटिक मटीरियल ऑफ प्रोकैरियोट्स, जेनेटिक मटीरियल, यस। देखो बेटा इसमें भी जीन्स तो होती हैं, होती है कि नहीं होती? बिल्कुल होती है वाणी में, जीन्स होती है प्लास्मिड में। किसकी? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की। जो मेन जेनेटिक मटेरियल होता है, इट इज नॉट एनवेलप्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि प्रोकैरियोट्स है, कंपोज्ड ऑफ सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। आंसर इज ऑल द अबव। अगर सिर्फ ए होता तो गलत होता, अगर सिर्फ ए मार्क करते तो गलत होता। वेरी वेल डन अनुग्या, वेरी गुड संगलप, गरिमा, वेरी गुड, क्लैपिंग फॉर यू, पूनम, आस्था, हर्षित, आरुषि, हिना, एल्विन, मनी। चलो नए बच्चे एंटर करो इसमें यार, वेरी वेल डन, आगे बढ़ते हैं। चलिए
Which one of the following does not differ in E. coli and Chlamydomonas? Same kya hota hai? दोनों में सेम क्या होते हैं? सेम क्या होता है बताओ? आई एम वेरी गुड प्रू मोटिवेशनल वीडियो, आंसर करो यार। पिछली बार भी करवाया था सेल के टेस्ट में, थप्पड़ यहीं से पड़ेगा अभी तुम्हें। कम ऑन अख्तर बानो, इक्वल देखो बेटा, ये प्रो कैरियोट है, ये यू कैरियोट है। एक में 70S राइबोसोम होगा, एक में 80S होगा, एक में क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन के बाहर मेम्ब्रेन होगा, एक में नहीं होगा। इकोलाई के पास सेल, इनका सेल वॉल जो होता है वो नैग नैम का होता है, बैक्टीरिया का। एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। क्लेमाइडोमोनास वगैरह कुछ सेल वॉल होगा, सेलुलोज वगैरह का होता है। इट इज सेल मेम्ब्रेन, प्रो कैरियोट हो या यू कैरियोट हो, सेल मेम्ब्रेन सेम होगा। आस्था, अनुज्ञा, हर्षित, ब्रिलियंट। गरिमा, एल्विन, संगलप, पूनम, आरुषि, हिना, तेजस्वी, गुड। अगला सवाल, चलिए कम ऑन, कम ऑन गौरी। इनकरेक्ट पेयर, आपको इनकरेक्ट पेयर ढूंढना है, इनकरेक्ट। वी हैव डन दिस इन द क्लास। एक ऐसी स्टेटमेंट है जो गलत है और हमने क्लास में बहुत बार बोली है। ग्राम पॉजिटिव पर्पल कलर के होते हैं, ग्राम नेगेटिव पिंक कलर के होते हैं। बहुत बार मैंने क्लास में स्टेटमेंट बोली है, बताइए। वेरी गुड मोनिशा, वेरी गुड गौरी, वेरी गुड पांडे, वेरी गुड, वेल डन। सो मेनी ऑफ यू आंसरिंग करेक्टली ऑलरेडी, वेरी गुड। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर्पल कलर के होंगे, सही है। सेल वॉल बैक्टीरिया को कोलैप्स नहीं होने देगा, सही है। कैप्सूल थिक होता है, स्लाइम लेयर पतला होता है, सही है। पाइलाई इज फॉर अटैचमेंट, नॉट फॉर लोकोमोशन। लोकोमोशन के लिए होता है सीलिया एंड फ्लेजिला, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। Which one of the following differentiate plant cells from animal cells? क्या difference है बताओ? Plant cell और animal cell में क्या difference है बताइए? Large vacuole plastid in cell wall, सेल वॉल प्लास्टिड सेंट्रियोल, सेल वॉल प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया, सेल मेम्ब्रेन प्लास्टिड सेल वॉल, क्या डिफरेंस है? तीनों ऐसे कौन से ऑर्गेनेल है जो एक प्लांट में होता है और एक एनिमल में नहीं होता है, लाइक दिस डिफरेंस बताइए। चलिए कम ऑन, फोकस ऑन द टेस्ट, इजी टेस्ट है। प्लांट सेल्स फ्रॉम एनिमल सेल्स, सेल वॉल प्लास्टिड सेंट्रियोल तो एनिमल सेल में होगा ना, डिफरेंशिएट कैसे करोगे? राइट, सेल वॉल प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया, लार्ज वैक्यूल प्लास्टिड सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होगा। लार्ज वैक्यूल सिर्फ प्लांट सेल में होगा, प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल में होगा, सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में होगा, तभी तो डिफरेंशिएट हुआ। सेल मेम्ब्रेन दोनों में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होगा, सेंट्रियोल एनिमल में होगा। समझ समझ के आंसर किया करो। चलिए अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 6। Assertion and reason. All eukaryotic cells are not identical. Reason, not identical. Depending on the ease of extraction, membrane proteins can be classified as integral, जो निकलेंगे नहीं,
पेरिफेरल जो निकल जाएंगे, क्योंकि इंटेग्रल ट्रांस मेम्ब्रेन होंगे ना आर पार, उनको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। बताइए, टाइम इज अप। वेल डन गाइस, वेल डन नीति, गुड गर्ल नीति, वेरी वेरी गुड। कोई रिलेशन नहीं है, ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल। यस, आइडेंटिकल कैसे होंगे, सब अलग अलग होंगे। एंड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के दो टाइप होते हैं, जो बाहर लगे हुए हैं उनको पेरिफेरल कहेंगे। पेरिफेरल बड़ी आराम से निकल जाएंगे सनातनी। यस, कुछ पंगा होगा सनातनी, तो इधर आंसर कर दे बेटा। जो ट्रांस मेम्ब्रेन है, जो आर पार लगे वो नहीं निकलेंगे, जो पेरिफेरल प्रोटीन है वो आराम से निकल जाएंगे। चलिए अगला सवाल करिए आंसर। सिस ट्रांस कितनी बार कराया मैंने गाइस, कितनी बार कराया। सिस इज द रिसीविंग फेस, ट्रांस वो होता है जहां से पैक करके निकलता है, बताइए। राइट, बहुत सिंपल है, बहुत बार आया है, फिर भी बच्चे देखना गलती करेंगे। सिंपल चीजों में भी कई बार हम भूल जाते हैं, हम गलती कर देते हैं। कम ऑन मोनिशा, मोनिशा यू फ्रॉम विच प्लेस इन महाराष्ट्र? कहां से हो बेटा आप? 3 seconds, 2 seconds, 1 second, time is up. Cis trans, well done. Cis क्या होगा? Receiving face, वो हमेशा convex होता है, ऐसे बनता है cis. और trans होता है देने वाला, वो हमेशा concave होता है. ये from Karnataka, which place बेटा? Right, ऐसा ये cis है और ये ऐसे 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 से जाकर ये ऐसे वाला trans है, ये सिस है, ये ट्रांस है, राइट? चलिए अगला सवाल। 10th पे आई विल शो यू लीडर बोर्ड। अरे वाह, मुंगोड, वेरी नाइस। मुंगोड हैज अ लॉट ऑफ टिबेटियन सेटलमेंट, नो मनीषा? इट्स गॉट अ ह्यूज टिबेटियन टेंपल, टिबेटियन सेटलमेंट, मुंगोड। आई बीन टू मुंगोड एज अ चाइल्ड। ओ वाओ, गौरी इज फ्रॉम थाने। सब लोग अपना सिटी का नाम भी लिखो यार, कहां कहां से हो बताओ। Which of the following statement is incorrect regarding pleasure? और मैं बताती हूँ मैं कितनी cities में गई हूँ। थाने, I've been to थाने। वरुण कहाँ से? Incorrect बताना है। Oh, सनातनी, when I come to Kolkata, you have to take me around. It's my dream city. I've never been to Kolkata. Roshni, I've been to Kerala. I've been to Kochi in Kerala. Raipur, I have never been to Raipur. Shreya is also from Kolkata. Varun, where in Haryana? It's a big city. I'm a big state. चल इनकरेक्ट आंसर कर लिया, पहले आंसर कर लो। अरे संचिता, महाराष्ट्र बहुत बड़ा है। वेयर इन महाराष्ट्र? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग फ्लेजुला? इनकरेक्ट, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट। एक्सोनिमल माइक्रोट्यूब्यूल फ्लेजुला में 9+2 होता है, यस। सेंट्रल ट्यूब्यूल के ब्रिजेस लगे होते हैं, इनकरेक्ट। द एक्सोनिम यूजुअली इज 9 पेयर ऑफ ट्रिपलेट, नो 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 नो, यस। हैज ट्रिपलेट्स नहीं होते, डबलेट्स होते हैं, है ना? और नांदेड़, आई हैव बीन टू नांदेड़ अक्सर, आई हैव सीन द गुरुद्वारा आल्सो एट नांदेड़। डबलेट्स होते हैं, वेरी नाइस। चलिए जीवाती नहीं देखा है मैंने, पठानकोट तो कोमल मैंने अभी क्रॉस किए 15 दिन पहले। कम ऑन कोमल पावा, which of the following statements regarding mitochondria is incorrect? Incorrect, not correct, incorrect. Incorrect. Yes, very well done. Matrix तो inner mitochondrial membrane के अंदर होता है, yes,
गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द क्रोमो, क्रोमो कलर्ड होते हैं. ओके. अरे यार सही में कोमल, अगली बार मैं क्रॉस करूंगी. आई टेल यू. इन द क्रोमोप्लास्ट व्हाट आर सॉल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स लाइक कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, अदर्स आर प्रेजेंट. ओके. द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज कॉन्स्टेंट इन ईच सेल. Is it constant? Is it constant? Constant? Yes, very well done. Very well done. क्रोमोप्लास्ट का मतलब क्या होता है? एसर्शन इन द क्रोमोप्लास्ट वाटर सॉल्युबल कैरोटीन, ज़ैंथोफिल एंड अदर्स. सारे वाटर सॉल्युबल नहीं है. नो 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 नो. ऑल ऑफ देम आर नॉट वाटर सॉल्युबल. वाटर सॉल्युबल मेम्ब्रेन में होते हैं. क्रोमोप्लास्ट नहीं बाहर निकलता. राइट right? गलती कर दी. एंड नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिफरेंट होते हैं. मेरे वोकल कॉर्ड में ज्यादा होंगे. सारे वाटर सॉल्युबल नहीं होते. ज़ैंथोफिल एंड ऑल इज नॉट वाटर सॉल्युबल. Is it clear? और वो जो वाटर सॉल्युबल होगा वो मेम्ब्रेन पे होगा, क्रोमोप्लास्ट में नहीं होगा. दोनों ही स्टेटमेंट गलत है. फंस गए ना. चलिए क्वेश्चन नंबर 11. उप्स हो गया. उप्स मोमेंट. चलो. द मेन ऑर्गेनेली इन्वॉल्व्ड इन मॉडिफिकेशन एंड रूटिंग ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन्स टू देयर डेस्टिनेशन. गुड यार. वेरी गुड क्वेश्चन. वेरी नाइस क्वेश्चन. Very nice question. One second, time over. चलो देखते हैं. The main organelle involved in modification and rooting of newly synthesized protein. कहाँ से जाएगा? Well done! Clapping for yourself. यारे DPP के question करवा रहे, फिर भी तुम लोग नहीं कर रहे. मैंने तुम्हारी पिटाई करी देनी है आज. Right? It is the endoplasmic reticulum. Very good. Next question. चलिए. अरे यार, लल्लू सवाल. किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए. Come on, Don. Come on, Komal. Come on, Shah Almin. Semi-autonomous कौन होता है? बताओ. सेमी ऑटोनोमस. चलिए 15 सेकेंड्स. कम ऑन. सेमी ऑटोनोमस वही होगा ना जिसके पास अपना डीएनए भी होगा. तो अपना डीएनए वाला कौन है यहां बताओ. वेरी नाइस. राइबोसोम नहीं होगा, उसके पास अपना डीएनए नहीं होता. इट इज क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया. ये सेमी ऑटोनोमस होते हैं. वेरी वेल डन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. यार इसके बाद लीडर बोर्ड दिखाती हूँ. चलो. यार लल्लू सवाल. फोल्डिंग ऑफ द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन आर कॉल्ड. फिफ्टीन सेकेंड्स. इजी है, पीजी है, सुपर लेमन स्क्वीजी है. फोल्डिंग आउटर माइटोकॉन्ड्रिया इनर फोल्डेड होता है. फोल्डेड क्या कहलाता है? वेरी गुड जाधव जी ने आंसर कर दिया है. इट इज कॉल्ड एज क्रिस्टे. एफओएफएल तो ऑक्सीजोम्स होते हैं जहां
जहां बनता है एटीपी. वेरी वेल डन. एक बार भी लीडर बोर्ड देख लेते हैं. आस्था हैट्स ऑफ टू यू मैन. गुड या अनु गया हर्षित संदर एल्विन गरिमा तनिषा श्रेयानंदी लॉन्ग टाइम वेरी गुड गौरी एंड तेजश्री. चलिए क्वेश्चन नंबर 14. हाफ वे माफ में पहुंच चुके हैं. चलिए करेक्टली मैच्ड. वेल डन. आंसर तो कर रहे हो. वेरी गुड. माइटोकॉन्ड्रिया फूड कहाँ करेगा? एटीपी करेगा. फोटोसिंथेसिस करके क्लोरोप्लास्ट के साथ फूड थोड़ा ना बनाएगा. लाइसोजूम सुसाइड बैग राइट. एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन करेगा. इट इज द राइबोसोम. वेल डन. ये भी करवाया था मैंने. एनसीईआरटी की लाइंस है. आस्था अनुज्ञा गरिमा वेल डन. चलो 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 15th क्वेश्चन. चलिए मिस रीड नहीं करना बेटा. मिसरीड तो करना ही नहीं है. सोचना ही नहीं कि यार मिसरीड करेंगे गड़बड़ हो जाएगी. जहां मिसरीड किया. Which type of ribosomal RNA is common in both prokaryotes and eukaryotes? गुड. इस टाइप ऑफ राइबोसोमल आरएनए. यस यार ये राइबोसोम के अंदर होता है. इसको राइबोसाइम कहते हैं. ये राइबोसोम्स की कैटालिटिक एक्टिविटी करवाता है. विच आई माइट टीच यू व्हेन आई टीच यू रेस्पिरेशन. राइट एवरीबॉडी. वेल डन. सी आंसर था. सी गलत मार्क कर दिया था. सी. कई बच्चों को गलत नंबर मिल गया. चलो कम ऑन माधव कम ऑन. प्रिंसिपल प्रोटीन ऑफ सीलिया फ्लैजेला. लल्लू सवाल. वेरी इजी क्वेश्चन. प्रिंसिपल प्रोटीन ट्यूबुलिन नेक्सिन बेसल बॉडी एल्ब्यूमिन. वेरी नाइस क्वेश्चन. इजी पीजी लेमन स्क्वीजी क्वेश्चन. वेरी गुड यार. लाइक ये तो कमाल ही हो गया भाई. क्या खा के आए थे? रिक विश्वास. आपको पहली बार देखा मैंने. ट्यूबुलिन. वेल डन. वेरी वेल डन ट्यूबुलिन. वेरी वेल डन. वेरी वेल डन. चलो अगला सवाल. वेरी वेल डन. हां जी. पिक द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम दिस रिगार्डिंग सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन. चलो गुड. वेरी गुड यार.
फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो सिंगर निकलसन ने दिया था वही हमारा मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है. हैव आई एक्सप्लेन्ड द कंप्लीट मॉडल टू यू? जस्ट से यस और नो. क्या मैंने पूरा मॉडल समझाया? कितने बच्चे हैं अपना खुद का इंट्रोस्पेक्शन करने साथ के साथ कि मेरे को कितना आता है कितना नहीं आता, राइट? टुबुलिन का बना होता है. चलिए अगला सवाल. सेलुलर टोटिपोटेंसी का मतलब होता है एक सेल से सब कुछ बन जाना. दैट इज कॉल्ड अ सेलुलर टोटिपोटेंसी. एक सेल से पूरा प्लांट बन जाना इज सेलुलर टोटिपोटेंसी. क्या हो गया? क्वेश्चन अटक गया ना? Can you see the question has got stuck? Hello? एक बार पहले भी हुआ था ना, पिछले टेस्ट में भी हो गया था ना. Guys, let me check. Refresh करती हूँ. एक सेकेंड. Don't worry. Just let me refresh now, please. सिस्टम के तो मैं बहुत अच्छे क्वेश्चंस बना के लाई हूँ. एक सेकंड गाइस, गिव मी टू मिनट्स गाइस. हर्षित, एवरीबॉडी जस्ट गिव मी टू मिनट्स. हाँ, इंटरनेट तो चल रहा है. रिफ्रेश करती हूँ. एक सेकंड. आ गया. चलिए आ गया. अच्छा, एक बार चेक करती हूँ. कोमल, अभी शेयर करती हूँ नोट्स. डोंट वरी सुधान दिवांशु, इधर कोई कंजंक्टिवाइटिस नहीं हो रहा. सेलुलर टोटिपोटेंसी मतलब जो एक सेल होता है उसी से सब कुछ बनता है. इट इज नॉट इन एनी, ये हम प्लांट सेल्स में करते हैं जब एक सेल से हमें मल्टीपल प्लांट्स बनाने होते हैं. ऑर्किड्स के प्लांट्स ऐसे तैयार होते हैं. वेरी गुड क्वेश्चन, जिसमें सबका बंटा धार हो गया, राइट? वेरी गुड क्वेश्चन, सबका बैंड बज गया. दैट इज, डोंट मिस क्लिक. सेलुलर टोटिपोटेंसी सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में होता है. चलिए, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम करवाया है मैंने आपको. इनमें से कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है पूछ रहा है. वन टू थ्री फोर. मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है वन इक्वल आर्म.
राइट, मेटासेंट्रिक में तो इक्वल आर्म होगी ना, नालायक को थप्पड़ यही पड़ेंगे, सुहाना जी और बुल्लू जी ने सही किया है, मुनिषा जी ने सही किया है, यार मेटासेंट्रिक में तो इक्वल आर्म होंगे, बीच में है राइट। काइनेटोकोर इज, काइनेटोकोर क्या होता है, जहां से हम दोनों क्रोमोसोम्स को सेपरेट करते हैं, जो मैं सेल डिवीजन में आपको कराऊंगी राइट। तो यार ये होता है काइनेटोकोर, देखो एक सेकेंड, हाँ ये कर दिया ना ऐसा, ये ऐसा हुआ, ये आपका सेंट्रोमेयर, ये काइनेटोकोर होता है जिससे हम दोनों को पुल करते हैं, तो काइनेटोकोर लगा हुआ होता है। चलिए सो ओनली सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। 20th क्वेश्चन, चलिए 10 मोर क्वेश्चंस टू गो, फटाफट। How many are correct? बताइए। All three, only two, pili, pilin protein का बना है। RER, riboforin for attachment of ribosome, microtubule में 13 protofilament है। कुछ questions मैं out of NCERT, totally out of syllabus लेकर आई हूँ, ताकि आपको अगर exam में suddenly ऐसा कोई question आए, आप घबराएं मत। पाइलाय पाइलिन का बना है, फ्लेजिला फ्लेजिलिन का बना है, सीलिया सीलिन का बना होता है, आरईआर अटैच होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम, इसलिए राइबोफोरिन प्रोटीन होता है, माइक्रोट्यूब्यूल 13 फिलामेंट्स का बना हुआ होता है। लास्ट 10 क्वेश्चंस, चलिए जल्दी में गलत मत करो बेटा, अगर नहीं हो रहा आप आराम से करो, कोई जरूरत नहीं है कि आपने बहुत जल्दी करना है। Got it? कोई कोई भी जल्दी करने की जरूरत नहीं बेटा। That has 12 permanent teeth. कितने होते हैं? कितने होते हैं? 32 ही। Well done. चलिए 10 questions digestive system से करते हैं। चलिए नीति जी। A to D के options ठीक बताइए। A क्या है? Incisor है कि D incisor है? अगर आपने डी को ही पहचान लिया ना, आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, सिर्फ डी को पहचान लो। यस, ये निब्बा निब्बी कहां से आ जाते हैं भाई, कौन बुला लेते हैं निब्बा निब्बी को। Excellent है, I am very 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 happy. D incisor है, A आपका molar है, B आपका premolar है, C canine है, D आपका incisor है. Come on, 23rd, come on. अच्छा कुछ नहीं होगा सनातनी, तू यहाँ आंसर कर दे बेटा। During intake of food, what prevent? अरे यार, ललू सवाल कल ही किया है हमने। चलो
टिरिंग टिरिंग, 6:30 क्लास है भैया दूसरी, जल्दी करो, उसके लिए भी आना है तुमको। वेरी गुड। फूड एंट्री कौन प्रिवेंट करता है? एपिग्लॉटिस। मैंने कल डायग्राम बना के पढ़ाया है नालायक को, तुम्हें पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? चलो गुड वन वरुण, गुड वन। चलो वेरी गुड। ईसोफेगस से स्टमक पे जाएगा, वहां से स्मॉल इंटेस्टाइन, वहां से लार्ज इंटेस्टाइन। ये क्वेश्चन तो कोई गलत कर ही नहीं सकता था भाई, इस क्वेश्चन को गलत कर दिया तो क्लास 12th में 11th में एडमिशन ही नहीं मिलनी चाहिए। चलिए 25वां क्वेश्चन जल्दी कीजिए, कम ऑन सुमित। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेंटल फार्मूला? कल बताया आपको मैंने, क्या होता है डेंटल फार्मूला? वेरी वेल डन। अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन द माउथ इन ऑर्डर ऑफ इंसाइजर करना है, प्री मोलर मोलर अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ, मैंने आधा आधा बनाया था। गौरी सच बताते हैं, क्या मैंने चार क्वाड्रेंट बनाए थे? गौरी यस या नो, जितने बच्चे कल क्लास में थे क्या मैंने ऐसे चार क्वाड्रेंट बनाए थे? यस और नो। यस मैंने क्वाड्रेंट, हम एक लिखते ना 2 1 2 3, मैंने क्वाड्रेंट बनाए थे। फिर क्यों गलत कर रहे हो बेटा? एम्स का क्वेश्चन है 2016 का, गलत मत करो। चलो छोटी छोटी चीजें भारी पड़ती हैं एग्जाम में। हर्बीवोर कार्निवोर में क्या डिफरेंस है? एलिमेंट्री कैनाल में माउथ टू एनस ऑफ हर्बीवोर कार्निवोर क्या डिफरेंस है? लॉन्ग होता है, शॉर्ट होता है, डिफर्स फ्रॉम कार्निवोर, मतलब हर्बीवोर का कैसा होता है? इन बीइंग वाइड होता है, थिन होता है। संचिता, नीति, सुमित, गौरी, कम ऑन। लॉन्ग एलिमेंट्री कनाल क्यों? बिकॉज इट हैज टू डाइजेस्ट सेलुलोज। वेरी वेल डन। आस्था, अनुग्रह, हर्षित, देखते हैं और कौन आता है। चलिए चलिए
फ्लोरो एक्रो होमो डिफरेंट शेप साइज फंक्शन हेटीरो वेल डन. अलग अलग क्या क्या मतलब होता है हेटीरो वेल डन. आस्था अनुज्ञा हर्षित श्रेया गरिमा एल्विन रूपा तेजश्री मनीत एंड लिली. अगला सवाल लास्ट थ्री क्वेश्चंस कम ऑन बी क्विक 17 ईयर ओल्ड कौन कौन सा दांत आ गया होगा. Let's do this, guys. Come on. 2102, 2122, 2123. Adult हो गया. Third molar कब आता है? Three तो third molar के लिए ना. कब आता है third molar? Come on, Sanchita. Come on, Varun, Obuli, Krishnan, Anil, Akhtar Bano, Suhana, Sumit, Komal, Sanatani. बताइए. Think and ink. Think before you ink. सब ने hung parliament इसीलिए हुई है. Right? सब के सब बिना सोचे जवाब देंगे तो यही होगा. बेटा थर्ड मोलर 18 टू 20 में आता है. ये 17 ईयर ओल्ड है. थर्ड मोलर नहीं आया है. ये तो तुम बच्चों का बता रहे हो राइट. 18 के बाद आता है. ये तो तुम बच्चों का बता रहे हो. 2102 प्री मोलर नहीं है. वो एडल्ट होने वाला है राइट. उसके बाद तो 2122 थर्ड मोलर नहीं आया है. ट्रिकी क्वेश्चन. थर्ड मोलर 18 साल की उम्र 18 से 20 के बीच में आता है. चलिए अगला सवाल 29th. चलिए चलिए मेजर फंक्शन ऑफ बक्कल कैविटी बताया था कल. बक्कल कैविटी वेरी नाइस. मैस्टिकेशन च्यूइंग क्योंकि दांत होते हैं बकल कैविटी में और स्वॉलोइंग सलाइवा के साथ मिक्स करके स्वॉलो करते हैं. बोलस कल बताया था कोमल वेल डन वेरी वेल डन. देखो यार जहां भी बोध दी अभव है आज मैंने दो तीन टाइप के क्वेश्चन कराए जिसमें बोध दी अभव है. जहां भी बोध दी अभव है आपने उसको मार्क जरूर करना है. चलिए Come on, everyone. Yes, cardiac fundus and pyloric. Very good. Very good. सबसे ऊपर cardiac, फिर fundus, फिर pyloric. Very nice. कितने बच्चों को कॉन्फिडेंस आ रहा डाइजेस्टिव सिस्टम में भी. आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. चलो फिर गाइस आज हमारी क्लास 6:30 की जगह 7 होगी. मुझे एक रिकॉर्डिंग करनी है. मैं अभी फटाफट वो रिकॉर्डिंग खत्म करूं. जल्दी करो. फ्रेंडोनम अरे यार कल करा दिया था. व्हाट इज मैस्टिकेशन वरुण. मैस्टिकेशन इज च्यूइंग ऑफ फूड. खाने को चबाने को मैस्टिकेशन कहते हैं. हम खाने को च्यू करते हैं ना. च्यू करके उसके छोटे छोटे पार्ट्स बनाते हैं. ये तो काम होता है दांतों का. दैट इज व्हाट इज मैस्टिकेशन. फ्रेंडोनम क्या होता है.
वेरी गुड, इट्स अ फोल्ड विच अटैचेस अ टंग टू द बेस, राइट? फाइनल लीडर बोर्ड, एक दो तीन ही देखेंगे, शिट यार, इससे पहले वाला देख लेते. आस्था हर्षित अनुज्ञा, वेरी वेल, सुपर. अब मिलेंगे 7 o'clock, 7 o'clock टू 8 o'clock की जो क्लास होगी, मैं आपको क्या करवाने वाली हूँ आज, ट्रांसलेशन. डन. रात को एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास ले रही हूँ, हाउ टू रीड एनसीईआरटी फॉर नीट 24-25, वेरी इंपॉर्टेंट. चलिए फिर, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब बायोटॉनिक पीसीबी, जल्दी ज्वाइन करो हमारा टेलीग्राम ग्रुप. सी यू, ऑल द बेस्ट, कल मिलते हैं बाकी क्लासेस के लिए. आज शाम को मिलेंगे 7 o'clock. बाय गाइस.